स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड सिखाने जा रहा हूँ। जो आप सीखोगे वो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एज वेल एज डेथ ऑफ अ पार्टनर में सब में काम आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है। मैंने ये क्वेश्चन जो तैयार किया है उसमें ये कहा गया है कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 20,000 रुपये का। ठीक है, आपकी बैलेंस शीट में गिवन होगा, लायबिलिटी साइड में गिवन होगा। और फर्दर मैंने यहाँ पे कुछ केसेस लिए हैं बच्चों। केस वन है कि कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी। केस टू है कि आपको कोई क्लेम ही नहीं दे रखा फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। केस थ्री में कहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है मगर 15,000 है। केस फोर में कहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 20,000 है। फाइव में कहा है कि वो क्लेम 25,000 है। और सिक्स केस ऐसा है जहाँ पे पुराना WCR नहीं है ये मान लीजिए, और क्लेम आ गया है 6,000। तो केस 1-5 में WCR है मगर केस 6 में WCR नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि फर्म के पास पुराने पार्टनर्स हैं जिनका नाम है ABC और जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:5:3:2 के रेशियो में। तो देखिए बच्चों, केस 1 और 2 का सॉल्यूशन सेम है। आपको कोई क्लेम नहीं है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अगे फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। इसका सेम ही मतलब होता है कि WCR को बांट के ख़त्म कर दीजिए अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। नया रेशियो कोई भी हो डज नॉट मैटर। ठीक है, ये चाहे एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट का, चाहे आपका डेथ का, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो इसलिए जब WCR बांटा इज ए काइंड ऑफ रिजर्व और प्रॉफिट which is distributed among the partners in their old ratio, as a result capitals are credited and WCR account is debited. Clear बच्चो, in their old ratio. केस थ्री में क्लेम आया था 15,000, तो जितना क्लेम है उतनी लाइबिलिटी क्रिएट कर दीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में डाल दीजिए 15,000, और बचा हुआ 5,000 जो पार्टनर अब वो फ्री है उसे पार्टनर से बांट दीजिए ABC में। अब वो प्रॉफिट बढ़ रहा है इसलिए फिर से कैपिटल क्रेडिट हो गई इन देयर ओल्ड रेशियो 2,500, 1,500 और 1,000 2,500, 1,500 and 1,000। केस फोर की बात करें तो जितना क्लेम है उतना ही WCR था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उतना ही है जितना क्लेम है, तो पार्टनर्स के लिए फिलहाल कुछ नहीं बचेगा, सारा पैसा लायबिलिटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। इस तरह से बच्चों केस फोर भी कंप्लीट हो जाता है। बात करें केस फाइव की, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको जो है आपको कह रखा है कि क्लेम जो है वो 25,000 रुपये आया है जबकि WCR केवल 20,000 था। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा क्लेम का है भर जाना वो रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू में भुगतना पड़ेगा, हमारे लिए लॉस हो गया क्योंकि अभी तक तो क्लेम को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कवर कर पा रहा था मगर इस केस में नहीं कवर कर पाया। तो एक्स्ट्रा जो आपको करना पड़ा वो रिवोल्यूशन के थ्रू उसको प्रोवाइड करना पड़ा, यानी आपके लिए नुकसान हो गया फर्म के लिए, और नुकसान फर्म अपने पास तो रखेगी नहीं, पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में बांट देगी, तो उसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया। ABC तीनों डेबिट हो गए और वर्कमैन कंपनसेशन रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, और लॉस बांटा है तो कैपिटल डेबिट ही होंगी। ठीक है, और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसमें लॉस इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो रिजर्व था वो क्लेम से कम रह गया था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को, आसान सी ही बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है बच्चों, केस सिक्स पे आ जाइए। केस सिक्स देखिए क्या है कि WCR था ही नहीं है, वो क्लेम देना पड़ रहा है, तो जितना क्लेम देना पड़ेगा सारा का सारा नुकसान ही है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और फिर रिवोल्यूशन के लॉस को सब में बांट दिया इन देयर ओल्ड रेशियो जो कि 6,000 रुपये था, तो लॉस भी 6,000 का हो गया। ABC तीनों डेबिट हो गए ओल्ड रेशियो में और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। यहाँ पे मैं आपको बच्चों एक बार बताना ज़रूर ध्यान रखूँगा और आप भी ध्यान रखिएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम निकल कर आया है वो अब नई बैलेंस शीट में या नई फर्म की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। डोंट फॉरगेट टू शो इट इन द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, और अगर क्लेम की जगह उन्होंने ऐसे वर्ड लिखा है क्लेम इज एस्टिमेटेड एज रुपीज़ इतना, तो उस केस में समझ जाइएगा कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जगह प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डालना है बच्चों वर्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आप लोगों से सारे केस डिस्कस कर लिए हैं। इसके आपको मेनली ध्यान दिए बात रखनी है कि ये चीज़ जो है आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एज वेल एज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चारों चैप्टर्स में काम आएगा यही ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चों, आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक